स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि ए बी और सी डी दो लाइंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि ये पैरेलल है, ठीक है ना, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमें ये पता है कि लाइंस ये दोनों चाहे पैरेलल हो ना हो, इसको ट्रांसवर्सल पक्का बोल सकते हैं। पर ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो दो लाइंस को काटे, ठीक है ना, वो ट्रांसवर्सल होती है। तो लेट ए बी और सी डी को ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ट्रांसवर्सल लाइन का नाम रख देते हैं पी क्यू, और ये इसको ई और एफ पे काट रही है। भाई कहां पे काट रही है, ई और एफ पे। लेट ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में क्या है कि पहले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ओके तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये 50 है, 50 प्लस एक्स कितना होगा, 180 होगा। तो इसके हिसाब से एक्स कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब ये भी 130 है, ये भी 130 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल आ गए तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, एक्जॉइन थी हमारे पास। तो अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो इस एक तो ये प्रूव हो गया, और वाई की वैल्यू और निकालनी है तो इसका जो अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो भी कितना आ जाएगा, 130 ही आ जाएगा। ओके देखो एंगल पी ई ए प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 180। इसका और इसका सम कितना होगा, 180। वैल्यू रख दो इसकी कितनी है, 50, और नीचे वाले की x इज इक्वल टू कितना होगा, 180। 50 उधर जाएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 50 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 में से 50 गया 130। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 130 आपका। अगर ये 130 आ गया तो आप लोग लिखोगे एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ क्यू, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये दोनों 130 है तो अब लिखोगे एज कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, एज कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस द लाइंस आर पैरेलल, हेंस द लाइंस आर पैरेलल। स्टूडेंट्स अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो कंक्लूजन क्या निकला, यही तो प्रूव करना था, ये दोनों लाइंस क्या प्रूव करनी थी, पैरेलल प्रूव करनी, तो ए बी पैरेलल सी डी प्रूव कर दिया। और अगर ये 130 है तो ये तो वैसे भी 130 होना ही था, लाइंस पैरेलल हो ना हो, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू 130, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी और ए बी पैरेलल सी डी प्रूव कर दिया। थैंक यू।